जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी देश का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। दरअसल दोस्तों, आज से 3 महीने पहले तुर्की में बहुत भयंकर भूकंप आया, जिसकी वजह से दोस्तों तुर्की ने अपने 55,000 से ज्यादा नागरिकों की जान गंवा दी थी। लेकिन दोस्तों, तुर्की की इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद करने वाला देश था भारत, और यही कारण था दोस्तों तुर्की के लोगों का फेवरेट देश भी भारत बन गया, और तुर्की के लोगों ने भारत को दिल खोल के धन्यवाद और बधाइयां दी। लेकिन दोस्तों, तुर्की के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है अर्दोगान, इन्हें तो मुस्लिम देशों का खलीफा बनना है, यानी कि मुस्लिम देशों में राज करना है। तो इन्होंने अपनी कूटनीति दिखाते हुए और भारत की अच्छाइयों को साइड में करते हुए पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक ड्रोनों को देने का फैसला किया, जो कि पहले भी पाकिस्तान को अपने TB2 ड्रोन दे चुका है। लेकिन दोस्तों, अब इसने अपने आकांक्षी ड्रोनों को भी पाकिस्तान भेज दिया है, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और ये ड्रोन अपने फुल पैकेज के साथ यानी कि सारे हथियारों को कैरी करते हुए 381 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। और मित्रों, इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम यानी कि एक बार उड़ने के बाद लगातार ये 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और इसकी सर्विस सीलिंग 35,000 फीट है, यानी कि ये हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। और मित्रों, इसमें कुल 8 हार्ड पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, मैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ड्रोन कितने भी अत्याधुनिक हो, भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें उड़ान के कुछ ही क्षणों में यानी कि 1 से 2 मिनट के अंदर ही डिटेक्ट कर पाकिस्तान की सीमा में रहते हुए ही हवा कर सकता है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देते हुए एक और शर्मनाक हरकत की, जिसमें उसने भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है और अपने नक्शे के जरिए दिखाया भी है, जिससे कि तुर्की ने इस बात की स्पष्टता कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर मुद्दे में हम हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके उलट भारत ने UN में भी साफ साफ ये बात कह रखी है कि कश्मीर मुद्दे में किसी भी बाहरी देश की कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही भारत की तरफ से कड़े शब्दों में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर रीजन भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को और मजबूत करने के लिए आने वाले समय में तुर्की का स्टेल्थ ड्रोन यानी कि किजलीमा, जिसे कि तुर्की अपना सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस ड्रोन मानता है, उसे भी पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो भारत को तुर्की को काउंटर करने के लिए तो जल्द से जल्द तुर्की के साइब्रस मुद्दे को विश्व भर के सामने जोरों शोरों से उठा देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, साइब्रस रीजन तुर्की के लिए सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर है। बाकी आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, तुर्की की बोलती बंद करने के लिए भारत को साइब्रस मुद्दे को उठाना चाहिए या नहीं, अपने अवेलेबल विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।